हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान अथवा बायोलॉजी से जुड़े कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम और उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताएंगे जो विभिन्न कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले वैज्ञानिक हैं अरस्तु, या इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, अर्थात जंतु विज्ञान के पिता कहलाते हैं। ये जंतुओं के शरीर तथा वर्गीकरण का अध्ययन इन्होंने ही आरंभ किया था। दूसरे वैज्ञानिक हैं वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, अर्थात वनस्पति विज्ञान के पिता कहलाते हैं। इन्होंने लगभग 500 पौधों का विवरण दिया था जिस पर इन्होंने अध्ययन किया था। अगले वैज्ञानिक हैं विलियम हार्वे। इनका प्रथम अनुसंधान था रुधिर परिसंचरण का अध्ययन करना, या कहा जाए तो इन्होंने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अगले वैज्ञानिक हैं एंटोनी वैन लीवेनहॉक। इनका प्रथम अनुसंधान जीवाणुओं की खोज और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन तथा उनका विवरण प्रस्तुत करना था। कुल मिलाकर कहा जाए तो इन्होंने सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया। इन्होंने स्वनिर्मित या अपने ही द्वारा बनाई गई लगभग 250 से अधिक सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा सूक्ष्म जीवों का निरीक्षण किया, अध्ययन किया था। अगले वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक। इन्होंने सन 1665 में कोशिका की खोज की थी या सेल की खोज की थी, या इनका प्रथम अनुसंधान कहा जाए तो सेल शब्द प्रतिपादित किया और कार्क कोशिकाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया था इन्होंने। अगले वैज्ञानिक हैं कैरोलस लीनियस। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। जंतुओं के नामकरण की द्योनाम पद्धति का प्रतिपादन इन्होंने किया था, अर्थात द्योनाम पद्धति के जन्मदाता यही थे, और विभिन्न पौधों का नामकरण वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया था, या कहा जाए तो वर्गीकरण विज्ञान के पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। अगले वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने सन 1831 में केंद्रक की खोज की थी जो कोशिका में पाया जाता है, या कहा जाए तो इनका अनुसंधान कोशिका में केंद्रक की स्थिति का निर्धारण करना था तथा ब्राउनियन गति की खोज इन्होंने ही की थी। कोशिका के संबंध में विभिन्न प्रकार की खोजें इन्होंने की। अगले वैज्ञानिक हैं मैथियास लेडिन। इन्होंने कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया था या सेल थ्योरी दिया था। इन्हीं के साथ में वैज्ञानिक थियोडार स्वान भी थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन में इनकी हेल्प की थी, अर्थात दोनों लोगों ने, स्लेडिन और स्वान ने, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगले वैज्ञानिक हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इन्होंने प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक लिखी थी। अगले हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इनके अनुसंधान थे वंशागति के नियम का अध्ययन तथा अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए। अगले वैज्ञानिक हैं लुई पाश्चर। तो ये सूक्ष्म जंतुओं का इन्होंने अध्ययन किया और किण्वन में इनका महत्व बताया तथा वैक्सीन को भी बनाया था। ये वैज्ञानिक जो एंटोनी वैन लीवेनहॉक थे उनके बाद लुई पाश्चर ने ही सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया था। अगले वैज्ञानिक हैं इवानोवस्की। इन्होंने वायरस की खोज की थी। इवानोवस्की ने वायरस की खोज की। अगले वैज्ञानिक है रॉबर्ट कॉच। तो इन्होंने तपेदिक के जीवाणुओं को पृथक किया और लुई पाश्चर के कार्य में विकास का योगदान दिया। अगले वैज्ञानिक हैं ह्यूगो ड्रिविज। इन्हें फादर ऑफ म्यूटेशंस भी कहा जाता है। इनके अनुसंधान कार्बनिक विकास के सिद्धांतों पर कार्य करना तथा उत्परिवर्तनवाद को इन्होंने ही समझाया था। अगले वैज्ञानिक हैं ए आई ओपेरिन। इन्होंने जीवन के उद्भव या ओरिजिन ऑफ लाइफ का प्रथम वैज्ञानिक विवरण दिया था। अगले वैज्ञानिक हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी और एंटीबायोटिक्स के आधारभूत ज्ञान का अध्ययन भी इन्होंने ही किया था। अगले वैज्ञानिक हैं स्टैनले मिलर। इन्होंने जीवन के उद्भव से संबंधित विभिन्न प्रयोग किए थे। अगले हैं एफ एच सी क्रिक और जे डी वाटसन। यानी वाटसन और क्रिक ने डीएनए का नमूना या डीएनए मॉडल दिया था तथा जीन की रासायनिक प्रकृति और डीएनए का द्विगुणन भी बताया था। और अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने जेनेटिक कोड तथा
प्रोटीन के जैविक संश्लेषण का अध्ययन किया था। अगले वैज्ञानिक हैं नाल एवं रस्का, इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। अगले वैज्ञानिक हैं पैलेड, इन्होंने राइबोसोम की खोज की थी। और नेक्स्ट हैं मेल्विन कैल्विन, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण, श्वसन आदि की वास्तविक क्रिया को खोजा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खोजने के लिए सन 1961 में इन लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से कुछ ये प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने विभिन्न प्रकार की खोजें की जो विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।